हम उनको न भूलें। हम यहाँ रह करके भी उनको याद करते रहे कि आप लोगों ने जो त्याग किया है हम उसका निश्चित रूप से आपको फल प्रदान करेंगे। जब आप छोटे थे, बालकों के लिए गाने की बात आ गई तो एक गाना सुनाता हूँ, छोटी सी दो लाइनें। माता पिता हमारे से बड़ी आशाएं करते हैं और उन आशाओं में आपको देख करके वो सोचते होंगे मन में, अपने जमाने के गाने दो लाइन सुनाता हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आ उंगली थाम ले मेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये भावना माता पिता की रहती है हमारे बचपन। अनाथालय ज्यादा है भारत में तो नहीं, अमेरिका के अंदर अनाथालय ज्यादा है क्योंकि वहां पर इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं। पत्नियां 10, पति 10 जिंदगी में और बच्चे जाने के लिए, तो माता पिता का कोई दायित्व नहीं लेना चाहता, अपने कंधों पर उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता, तो वहां माता पिता अनाथालयों में रहते। और आज भी हमारे यहाँ पर ये वर्तमान में ऐसा समाज बन गया है कि मैं देख रहा हूं कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनते ही, हालांकि आप तो अभी 12वीं में हैं लेकिन आप लोगों के विचार भविष्य में ऐसे न बने, डॉक्टर इंजीनियर बनते ही वहीं पर तो विवाह कर लेते हैं अपनी साथी सहयोगी छात्राओं के साथ, अपने मित्र जेंट्स बॉयज के साथ, और अपनी अपनी गृहस्थी बसाने के लिए न जाने कहां से कहां जाके बस जाते हैं। माता पिता बेचारे अपनी जड़ें नहीं छोड़ पाते, वो इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, और जो आशाएं वो करते थे वो आशाएं धूमिल हो जाती है। कभी बीमार पड़ जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी अटैक का दौरा पड़ जाए, कभी किसी भी तरह की समस्या हो जाए, तो उनके संतान उनके पास नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर बने इंजीनियर बने, लेकिन उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी हम ध्यान में रखें, उनके पहले सपनों को पूरा करें और फिर जहां भी रहें उनको अपने साथ लेकर के रहें, क्योंकि वह भूखे रह रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं, 24 घंटे उनके दिमाग में यही दौड़ता रहता है पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे, छोरे के 5,000 भेजना है, छोरे को 10,000 भेजना है, बच्ची को 5,000 भेजना है, वो इसी चिंता में जिंदगी निकाल दे। तो आप लोगों को उनके सपनों को पूरा करना है, शेष आगे आपको सर बताएंगे। बीच बीच में इस तरह से इंस्पायर करना आपको नींद से जगाने जैसा है। जरा सोचें, एक ऐसा इंजन पड़ा हुआ है किसी स्टोर रूम के अंदर जो चल भी रहा है, तो क्या करें लोग? धुआं, एक तो धुआं करेगा पहली बात, पॉल्यूशन पैदा करेगा, और दूसरी बात आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो बर्बाद हो रही, उसका आप यूज ही नहीं कर रहे। वैसे ही अगर इंस्पायरेशन ना मिले तो आप भी किसकी तरह हो? उस इंजन की तरह हो जो साइड में पड़ा रहता है, चलता रहता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं, वैसे दिमाग भी वैसे। अब अगली बात ये आती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहली बाधा क्या आती है आपके स्टडी के अंदर, वो बताएं। सबसे पहली बाधा कौन सी आती है? बिल्कुल खुल के बोले, ऐसे डरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी बोल दो, हाथ खड़े करके बोलो, सबसे पहली बाधा क्या आती है? यस छोड़ो, कोई बोलो। बीच बीच में फ्रेंड्स डिस्टर्ब कर देते हैं। बीच बीच में फ्रेंड्स डिस्टर्ब करते हैं,
वो क्या कहते हैं, या तो बाहर जाने के लिए कहते हैं, है ना। एक चीज अभी मैंने एक बात बताई थी कि बी हैबिचुअल टू से नो, आदि बनो क्या कहने के, नो no. क्योंकि वो फ्रेंड आपके करियर में आगे सपोर्ट नहीं करने वाले, ऐसे फ्रेंड हमेशा क्या किए जा सकते हैं, अवॉइड किए जा सकते हैं। इसलिए क्या कहा कि कीप अ गुड कंपनी, एक अच्छे कंपनी का साथ रखें आप, एक अच्छे फ्रेंड का साथ रखें जो इंस्पायर करे, और कहा बी अ कंपनी ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट, हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट के साथ रहें तो वो प्रेरणा देंगे आपको, प्रेरित करेंगे, और ऐसे स्टूडेंट जो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करें अवॉइड करें, और से नो, ठीक है, उनको नो कहें, क्योंकि केवल 2 महीने की तो बात है, उसके बाद फिर आपका नो उनका जिंदगी में नो हो जाएगा, हर जगह कहीं पे भी जाएंगे नो वैकेंसी, कहीं पे भी जाएंगे इंटरव्यू, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, फिर आप यस हो जाएंगे, अभी नो किया तो बाद में बन जाएंगे यस, और जिसके पास यस है कीर्ति उसके साथ है, तो बाद में यस हो जाएगा, यस मिलेगा, यस बोलोगे अभी तो न कीर्ति मिलेगी न यस मिलेगा, क्या मिलेगा, हर जगह कहीं पे भी जाएंगे नो, इसलिए अभी फ्रेंड से कहें नो, बाद में अपने आप आपके लिए हर जगह यस होगा, अभी नो कहोगे तो बाद में यस हो जाएगा, तो अच्छी कंपनी रखें और ऐसे फ्रेंड्स को अवॉइड करें, अगर रूम पार्टनर भी ऐसा है तो चेंज कर दे, ठीक है, मेरे साथ छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे पेरेंट्स को बता, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये फ्रेंड्स डिस्टर्ब करना, दूसरी प्रॉब्लम फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी आ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो वो कोटा में रह रहा है 2-1 दिन उसके साथ रह लेते हैं, तो ऐसे में क्या कहो, नो, अरे थोड़ी देर की बुराई है, बाद में जब आप अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तो अपने आप वो सम्मान करेगा, उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अभी अगर आपने अपॉइंटमेंट दे दिया, उसको अपॉइंटमेंट दे दिया, तो आप भी फिर उसी की तरह हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, जो कभी कवर नहीं हो सकता, और इस समय टाइम वेस्ट होने का मतलब है वापिस रिकवर नहीं होना, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, कौन सा टॉपिक उठाएं पहले, मैंने कहा था पढ़ने स्टडी रूम में जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो वो चीज रखो सामने जो हमें पढ़ना है, और इस समय अगर ऐसा माइंड में आता है कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले माइंड को प्रिपेयर करें कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसी को उठाएं, बाकी के सारे सबको हटा दें, क्योंकि ऐसी स्थिति कब आएगी कि ये पढ़ लो या वो पढ़ लो, जब सामने होगा, शादी ब्याह में जाते प्लेट भर लेते, पहले कौन सा खाऊं, डिसाइड करना कितना मुश्किल होता है, गुलाब जामुन खाया और ये तो दही बड़ा था उल्टा भी हो सकता है, ये आलू दम है खाके देख, ओ ये गुलाब जामुन है तो आलू दम की सब्जी में वो गुलाब जामुन लुढ़कता लुढ़कता चला गया, और जिसको आपने आप गुलाब जामुन समझा वो क्या निकला, दही बड़ा निकला। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, चलिए यहां से शुरुआत की जाए, पहले सलाद से शुरुआत की जाए, सलाद खा लिया, अब सर बाद में पूरी खाएंगे, सब्जी बाद में खा लेंगे, नहीं वो तो साथ ही आएगी ना, पर पहले पूरी सब्जी खा ले, फिर दूसरी चीज खा ले, फिर एंड में मिठाई खा ली, तो हाथ को भी तकलीफ नहीं हुई उठाने में, हर एक चीज का इंटरेस्ट भी आया, और हर चीज को जब इंटरेस्ट लेके खाते हैं शरीर को लगता है, और अगर भरते हैं तो जमीन को लगता है, जमीन पे जाते अंदर जाते। टॉपिक की प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो टॉपिक की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये कि ये डिसाइड करें कि मुझे पढ़ना क्या है, सबसे पहले वो डिसाइड करें, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, आज ये करके देखना, जो पढ़ना है केवल वो निकालो, बाकी को कहां रखो, सीधा साउथ में, मैंने कहां बताया, साउथ में रखो, दिखना नीचे, पीठ पीछे, बुराई करने वाले पीठ पीछे ही रहते हैं, क्यों पीठ पीछे ही बुराई करते हैं, हमसे आगे निकल के बता वो विद्वान होते हैं। और कौन सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी वो सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर दूसरी इच्छा से गुजर
मैंने तीन तरीके बताए। सबसे पहले आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, वो सब्जेक्ट लिया जो काफी हार्ड है, ठीक है, और उसमें से वो टॉपिक लिया। टॉपिक कैसा भी हो, इजी हो हार्ड हो, कैसा भी हो, कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं। फिर बीच में क्या करना है आपको, देखिए जब तक कि ये चीजें समझ में नहीं आई, डी क्यू क्या है, डी का मतलब है डिटर्मिनेशन। पहले डिसाइड तो करें कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है, फिर क्या करें, डिसिप्लिन, अनुशासनात्मक तरीके से डिसिप्लिन होकर के आप क्या करें, उस चीज को पढ़ें। उस चीज को पढ़ने के लिए डिसिप्लिन की कहां जरूरत है, कई लोग होते हैं हाथ में किताब लिए हुए बस घूमते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, ये डिसिप्लिन थोड़ी है। बैठना है, बैठ करके पढ़े और उसी चीज, वही चीज सामने होनी चाहिए, ये डिसिप्लिन है, ठीक। तीसरी चीज है डेडिकेशन, समर्पण, आगे डी क्यू, डेडिकेशन, समर्पण। जब समर्पण का मतलब है मन से पढ़ना, अपने आप को समर्पित करना। जब मन से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा। फिर एक टॉपिक पढ़ लिया, हिंदी या इंग्लिश लो, क्यों, चेंज, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मन भी चेंज हो जाएगा, माइंड भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने के लिए। फिर अगला सब्जेक्ट ले लिया, जो भी आप ऑप्शनल, जो भी आप इजी फील करते हैं या एवरेज फील करते हैं उसको ले लिया। उसके बाद फिर हिंदी या इंग्लिश, ये ले लिया, और लास्ट में ले लिया आपने अपना ऑप्शनल थर्ड, वो ले लिया। ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ के देखो, कल से ही आप चेंज कर, आप ऐसे चेंज करके देखो, फिर देखो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन, अगला हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, ध्यान दो, सब एक मिनट हाथ अपने सामने, सामने हाथ, ठीक। आप चेयर पे बैठे हुए हो, अपने यहां स्टूल पे बैठे, चेयर पे बैठे हो, सामने टेबल है, दीवार भी है, हो सकता है खाली जगह भी हो, ठीक, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, हाथ लिए एक मिनट ऐसे रख, एक मिनट रगड़ना है, रब करना है। अब हाथों को दूर कर लो, ठंडक महसूस हुई, जिसको नहीं हुई उसने ढंग से नहीं रगड़ा। ये फ्रिक्शन होने से इलेक्ट्रिफाइड हो गए, इलेक्ट्रिफाइड होते ही यहां वो ऊर्जाएं हैं जो किससे कनेक्टेड है, सीधा माइंड से कनेक्टेड, ठीक। एक मिनट, अगर किसी को ऐसा लगता है एक मिनट में कुछ भी नहीं हो तो वो एक मिनट और कर ले, फिर करके देखो।